आज वैशाख मास के पुनीत पर्व पर अमावस्या का गमन, प्रतिपदा का आगमन बुधवार का दिन हमारे लोकसभा संसदीय क्षेत्र के माननीय श्री अखिलेश सिंह जी के विजय प्राप्ति हुए तो हमारे 108 ब्राह्मण सचंडी महायज्ञ का प्रोग्राम कर रहे हैं, जो कि अनवर्त पाठ चल रहा है। सभी ब्राह्मण बंधु लगे हुए हैं और जल्दी से जल्दी कार्य पूर्ण होने की तरफ जा रहा है। पंडित जी, ये जो अनुष्ठान है, अनुष्ठान का उद्देश्य क्या है? हमारे अनुष्ठान का भाई साहब उद्देश्य है कि किसी कार्य की विजय प्राप्ति के लिए हम जब कभी कदा ऐसा हो जाता है कि हम जब कभी कभी रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, हम अपने कर्म की पूर्णता नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो हमारे धर्म में जो है महामृत्युंजय का होना, दुर्गा पाठ होना, सप्तती का जो है सचंडी होना, बगलामुखी होना, इन सब चीज़ों का अनुष्ठान हुआ करते हैं। तो उसी प्रकार से सूक्ष्म जो है छोटे से छोटा सचंडी पाठ चल रहा है। तीर्थराज कन्नौज सिद्धेश्वर भगवान माँ गंगा के पुलिन पर हमारे कन्नौज के गौरव आचार्य पर्वत पंडित करुणा शंकर जी जो कर्मकांड और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के लिए संकल्पित हैं, महाराज जी की उपस्थिति में 108 ब्राह्मणों के द्वारा पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी माँ दुर्गा की प्रसन्नता के लिए ये हमारे कन्नौज लोकसभा के प्रत्याशी अखिलेश यादव की विजय प्राप्ति के लिए ये अनुष्ठान हो रहा है। कितने दिन चलेगा ये अनुष्ठान? एक दिवसीय। सचंडी का मतलब होता है 100 पाठ होना, 108 पाठ, तो 108 ब्राह्मणों के द्वारा 108 पाठ बस सभी 10-15-20 मिनट में परिपूर्ण हो जाएंगे। आज ये महादेवी घाट के ऊपर जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें कन्नौज के बहुत बड़े आचार्य पंडित करुणा शंकर जी व कौशल जी महाराज द्वारा उनके साथ में 108 ब्राह्मण समाज के लोग जो गांव-गांव में, शहर में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में पूजा पाठ करने वाले, कथा भागवत करने वाले, ऐसे ये महान विद्वान और समाज के सुधारक, इन लोगों ने अखिलेश जी के कामों को देखकर, कन्नौज के विकास को देखकर ब्राह्मण समाज ने एक तरफा फैसला लिया कि अखिलेश जी के लिए जीत के लिए हम लोग दुर्गा सप्तमी पाठ और जो भी पाठ की आवश्यकता है वो करने का काम करेंगे। तो वही ये पाठ का कार्यक्रम चल रहा है और ये सब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कन्नौज के विकास पर उसको पूरा कन्नौज में जीत हासिल हो। ये अनुष्ठान कितने दिन का अनुष्ठान है? ये आज सुबह बहुत जल्दी चालू हुआ था और अभी आप लोगों के सामने चल ही रहा है। और एक और वीडियो देखने में आया था, अखिलेश यादव गौरी शंकर बाबा मंदिर दर्शन कर रहे हैं, तो उसके बाद मंदिर को पूरा धुलवाया गया है, क्या कहेंगे? वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है, उसके बारे में हम कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं और जो उन्होंने किया है उसका जवाब कन्नौज की जनता 4 जून को वोट के माध्यम से रिजल्ट में दे देगी।